बेसिकली जो आज इवेंट है वो है निकाह का, राइट? सो मुझे बताइए बिलाल के निकाह पर लोग किस तरह के कपड़े यूजुअली पहनना पसंद करते हैं? निकाह पर लोग ज़्यादातर जो है गरारा के लिए जाते हैं, शरारा के लिए जाते हैं, क्योंकि ड्राई मेहंदी के लिए लोग लहंगा चोली के लिए, फिर वलीमे के लिए मैक्सी चला जाती है, तो ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो इसी के लिए गरारा और शरारा के गरारा और शरारा। अच्छा, और किस तरह के कलर्स वो विंटर में समर में क्या आते हैं? मोस्टली लोग जो है विंटर समर में वाइट के लिए ही जाते हैं, क्योंकि अभी ये मेन इवेंट हो चुका है, तो इसलिए अब ज़्यादातर लोग तो वाइट के लिए ही जाते हैं, या थोड़ा सा बीच में गोल्डन, इन चीजों के लिए लाइट कलर्स के लिए लोग लाइट कलर्स के लिए जाते हैं, व्हाइट और गोल्डन में। यहाँ हमारी मॉडल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अपनी अपनी सीट थोड़ा सा छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर आ जाएं पहले, और ज़रा सा हम ड्रेस फ्लॉन्ट करेंगे, दिखाएंगे निकाह का। दो किस्म के ड्रेसेस हैं, प्लीज आ जाइए। ये एक ड्रेस है और ये जो है वो एक ड्रेस है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन दोनों पे ही मुख्तलिफ मेकअप हम आपको करके दिखाएंगे। एक पे लाइट मेकअप होगा, एक पे हैवी मेकअप होगा, उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे वाइट पिंक क्या एक कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे गोल्ड का है, और किस पे क्या काम हुआ है? ये दोनों पे हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, टोटली इस पे टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट है, तिले का काम है, कोई भी इस पे जो है कि मशीन का एक भी चीज़ नहीं है, टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट है। वाओ, तो अगर ये हैंड एम्बेलिशमेंट है तो इसकी तो प्राइस जरा कुछ रेंज बताएंगे? इट्स गोना बी लाइक 55,000 to 80,000। 55,000 to 80,000। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास जब कोई इंसान ड्रेस बनवाए या पहले से बना हुआ ड्रेस खरीदे तो क्या रेंज है, सबसे कम रेंज क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है? अगर निकाह के लिए बोले तो इट्स गोना बी लाइक 40,000 और अप टू वो उनकी मर्जी है कितना। अच्छा, अगर फॉर इंस्टेंस किसी को कोई 40,000 का ड्रेस पसंद आता है और वो ये कहता है कि चीज पे थोड़ा सा काम कम कर दें, ऐसा पॉसिबल होता है? क्योंकि काम होता है काफी लोग, हाँ जी काफी लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी हम ऑब्वियसली सबका मेन इवेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा नाम के लिए हम उसको ज्यादा से ज्यादा करके दें कम से कम प्राइस में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा कम काम पसंद है, आप बिलाल को बता ही नहीं कि कौन सा वाला इवेंट है, आपसे बोले छोटा सा कोई इवेंट है, छोटा सा और फिर कम काम जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सिंस आप जो है वो सियालकोट में रहते हैं, तो वहाँ से जो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं वो वहीं सियालकोट से मिलते हैं या कराची से भी आपको? कराची से भी मिलते हैं, सियालकोट से भी मिलते हैं, मोस्टली ज्यादा यूके के लोग हैं जो सबसे ज्यादा हमें जो ऑर्डर मिलते हैं वो यूके के। ओके, यूके के बहुत है, उसके बाद इंडिया के, अभी रिसेंटली इंडिया से भी दो ऑर्डर से, तो उनको भी अभी अब भेजे मैंने ऑर्डर निकाह के ही फंक्शन के लिए। ओके, वाह जबरदस्त। अच्छा, ये जो लेंथ मुझे देख रही है शर्ट्स की, ये आप कहेंगे कि ये ट्रेंडी है बिकॉज़ हर मॉडल कंफर्टेबल भी फील करती है, दुल्हन कंफर्टेबल भी फील करती है? बिल्कुल, ये बिल्कुल हम उसको देख के लिहाज से ही मॉडल को और दुल्हन को उसके लिहाज से ही उसकी लेंथ का हम रखते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग डिपेंड करता है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो शॉर्ट ही है गरारा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने नीचे भी इसके गरारे के काम करना है तो वो भी नज़र आना चाहिए, हर चीज़ नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ जो दुपट्टे हैं, जैसे कि ये दोनों थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ लुकिंग जो है वो ड्रेसेज हैं, तो दुपट्टा इसके साथ क्या आप कहेंगे कौन से मटीरियल का होना चाहिए, कैसा आप बनाते हैं? हम ज़्यादातर इसके जब ये वाला जो वाइट वाला ये ऑर्गेन्जा है, इसके साथ हम ऑर्गेन्जा का ही दुपट्टा देते हैं, और वो जो लेफ्ट वाला है जो गोल्ड में है वो नेट का है, उसके साथ नेट का ही दुपट्टा देते हैं, क्योंकि वो ईजी टू कैरी हो जाता है, अगर ऑर्गेन्जा पे नेट देंगे तो वो स्लिप करता है। अच्छा, मेरे एक और सवाल है कि जो ऑर्गेन्जा है यूजुअली मॉडल्स को ये होता है कि भैया मोटे लगेंगे, तो ये वाला आपको ब्राइड्स कहती है कि नहीं ऑर्गेन्जा जो है वो या तो बहुत ही स्टाइल से बनना वो कट्स वगैरह दे के तो उसको हमें ऐसे कि सबको पतला दिखाना है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा जब आपने कहा मैं इनको दोबारा मैंने गौर से देखा कि ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो बहुत पफ्ड अप है, फ्लफी फ्लफी है ना, सो बहुत ही कटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। तो मुझे ये बताएं बिलाल के, जब आप स्टिच करवाते हैं टेलर से, तो कोई ख़ास एक ऐसी चीज़ होती है जो आप कहते हैं कि ये लाजमी आपने करनी है, आपका सिग्नेचर कट? इट्स नॉट लाइक सिग्नेचर कट, हम इसको ये बोल सकते हैं कि मेरी नज़र में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम जब पीस बन के मेरे सामने आता है तो पर्सनली मैं सब चीज़ खुद ही चेक करता हूँ हर चीज़, क्योंकि जो भी उनकी लेंथ वगैरह हर चीज़ जो हमें मेजरमेंट दिए, मैं कोशिश करता हूँ 110% वैसा ही उसको, अगर हमें एक दिन ऊपर भी जाना पड़े हम चले जाते हैं, वेट कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ हम, क्योंकि ऑब्वियसली निकाह
ऐसा फंक्शन है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि खराब हो. तो हम जब किसी को कोई चीज़ डिलीवर करें, और मेरे पॉलिसी भी ये है कि वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए. awesome. ना उसमें 1% का भी हम ये नहीं छोड़ते कि 1% भी इसमें खराबी हो. wow, किसी लेंथ yeah. से लेके, वेस्ट से लेके, कोई भी चीज़ हम खराबी चाहते ही नहीं. बिल्कुल. मॉडल्स आप कंफर्टेबल हैं ड्रेस में? बिल्कुल है ना, कंफर्टेबल हैं. ऑलराइट.